परसवाड़ा दौरे पर पहुंचे आयुष मंत्री रामकिशोर नानुकावरे ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा का आकस्मिक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर में पहुंचते ही गंदगी दिखी, जिस पर मंत्री कावरे विफर पड़े। वहीं मंत्री कावरे ने CMHO डॉक्टर मनोज पांडे से फोन पर बात कर निर्देश दिए कि परसवाड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शाम तक पैरासीटामोल की गोली उपलब्ध कराए। मंत्री कावरे ने CMHO को फोन पर फटकार लगाते हुए कहा कि यहाँ पर पैरासीटामोल की गोली नहीं है, जिसे मरीजों को बाहर से खरीदना पड़ता है, और जितने में वे बाहर से खरीदते हैं उतने पैसे मैं आपसे लूँगा, इसलिए जल्द से जल्द सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र परसवाड़ा में पैरासीटामोल की गोली उपलब्ध कराए। वहीं स्वास्थ्य केंद्र में खराब स्लीप लैब मशीन को सुधारने, सफाई व्यवस्था को ठीक करने को भी कहा। ड्यूटी पर मौजूद अमले को कहा कि चादरों की धुलाई नियमित रूप से होती रहे। ऑक्सीजन सप्लाई वाले वार्डों का भी देखा। मंत्री कावरे ने बताया कि 55 लाख रुपए की राशि स्वीकृत कराई गई है, जल्द ही आइसोलेशन रूम भी बनेगा। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निरीक्षण में हूँ। एक तो सफाई को लेकर चिंता है, सफाई नहीं हो रही है, यहाँ आदमी दे दो या कुछ भी करो, सफाई करो, करवाओ। और यहाँ पैरासीटामोल नहीं है तो मार्केट से खरीदना पड़ता है, तो जितना मार्केट का पैसा आएगा लोगों का वो आपसे लूंगा मैं। तो नहीं नहीं मतलब फिर पैरासीटामोल यहाँ नहीं है, डिमांड हो गया, सब डिमांड हो गया, डिमांड की कॉपी मेरे पास में। ये आप अपने स्टोर के उसको बोलो और वहां से दवाई पहुंचा, शाम तक की दवाई पहुंच जाना चाहिए। मैं पैरासीटामोल मैं रात में यही रुकूंगा, ठीक है। बालाघाट जिले में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होते जा रहा है, जिसे लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। वहीं बिना मास्क के घूमने वालों पर प्रशासन लगातार चालानी कार्रवाई भी कर रहा है, जिसको लेकर नगरपालिका के कालीपुतली चौक में चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें बालाघाट के SDM KC बोपचे भी मौजूद रहे, जहाँ पर SDM के द्वारा बिना मास्क के घूमने वालों को मास्क पहनने की हिदायत दी गई, तो वहीं SDM ने बिना मास्क वालों को मास्क भी दिया और अपील की है कि कोरोना के केस जिले में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमें कोरोना गाइडलाइन का पालन करना है और मास्क अवश्य पहनना है, जिससे कि कोरोना संक्रमण से हम बच सकें।